प्रदेश की हर न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को दबाएं और हमारी खबरें आपको कैसी लगी इसका सुझाव देने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। रोहतक में मतदान के दिन अक्सर विवादों में रहने वाले बीजेपी के मंत्री मनीष ग्रोवर पर गैंगस्टर के साथ मिलकर बूथ कैप्चरिंग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक बीबी बत्रा ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद को मामले से अवगत कराने के बाद सूचना आयोग ने गंभीरता दिखाते हुए गैंगस्टर व उनके साथियों को गिरफ्तार किया। हालांकि गैंगस्टर रमेश लोहार को कल जमानत मिल गई थी। जमानत मिलने के बाद एक बार फिर से आज पुलिस ने गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया, जहां गैंगस्टर रमेश लोहार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वहीं आरोपी रमेश लोहार का कहना है उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। वहीं दूसरी ओर पूर्व कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने कहा उनके खिलाफ भी मामला दर्ज करने की बात की जा रही है। मैं तो मंत्री मनीष ग्रोवर को बूथ कैप्चरिंग करने से रोक रहा था। उन्होंने कहा, मंत्री जी किस ऐसे से पुलिस को कार्रवाई करने की बात करते हैं, मैं नहीं रोकता तो कुछ भी हो सकता था। दरअसल कांग्रेस के पूर्व विधायक व रोहतक के सांसद और उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा ने चुनाव आयोग को लिखित में शिकायत दी थी कि बीजेपी मंत्री मनीष ग्रोवर ने बदमाशों के साथ मिलकर बूथ कैप्चरिंग की है। इस शिकायत पर चुनाव आयोग ने पुलिस को मामला दर्ज कराने की सिफारिश की। इस आधार पर रमेश लोहार सहित अन्य के 12 जिंदा कारतूस व फर्जी नंबर की गाड़ी को कब्जे में लिया। बाद में रमेश लोहार सहित 7 को कल गिरफ्तार किया गया। आज सभी को कोर्ट में पेश किया गया। गैंगस्टर रमेश लोहार मनीष ग्रोवर के साथ 2 साल से है। मंत्री ने पिछले पार्षद का चुनाव बीजेपी के निशान पर लड़वाया था। रमेश लोहार के खिलाफ हत्या का प्रयास फरौती के मामले भी दर्ज है। रमेश के खिलाफ FIR नंबर 217 में लॉज हुई 12/5 को उसको अरेस्ट कर लिया गया, परंतु जब कुछ सबूत नहीं थे, कुछ धारा गलत लग गई थी, उससे पुलिस ने उसको पुलिस बेल दे दी। उसके बाद उसको कल अरेस्ट किया, दोबारा से कुछ चार्जेस और लगाए गए। आज उसको कोर्ट में पेश किया उसके 6 साथियों के साथ, जिसमें उसके 6 साथियों की जमानत होगी और रमेश की बेल को रिजेक्ट कर दिया गया। रमेश को एक और केस में आज अरेस्ट दिखाया गया, वो FIR नंबर 293, उसमें उसको अकेला मुलजिम बनाया, जो कि 188, 506 और 283 IPC के ऑफेंसेज लगाए गए, उसमें भी रमेश की बेल को रिजेक्ट किया गया। क्या होता है इनमें? इन ऑफेंसेस में सरकारी आदेश की पालना ना करना, दूसरा धमकी का मुकदमा था और पब्लिक को डर का दबाव का, ये ऑफेंसेस इनके खिलाफ बनते थे, जिसमें से कुछ था कि लोग इन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट भी लगाया गया कि अपनी जो नंबर प्लेट थी गाड़ियों का वो ओरिजिनल नंबर प्लेट ना लगा के जो उनको नंबर गाड़ी नहीं मिलती है टेम्परेरी नंबर वही रखा काफ़ी दिनों तक। इस तरह के ऑफेंसेस थे जो कि ऑलमोस्ट ऑफेंसेस अवेलेबल थे। सिर्फ और FIR नंबर 287 में आर्म्स एक्ट नॉन अवेलेबल था और दूसरे केस में 188, 506 ऑफेंस नॉन अवेलेबल था, जिसमें उसकी बेल को रिजेक्ट किया गया। तो आगे की तारीख नेक्स्ट डेट इस केस की 22 लगाई गई है। इसमें रमेश की दोनों केसेस में सेशन कोर्ट में बेल लगाई जाएगी। भाई साहब, ये बेवजह के मुकदमे में राजा रैसी कोई बात नहीं थी, ठीक है ना। ये जो जो और ये कई आदमी बेवजह पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं इसने, और कोई वजह नहीं। जो प्रजातंत्र की रक्षा करे, जो बाहुबलियों से लड़े, जो सीना जोड़ी कानून तोड़कर अंदर घुसे, उसको रोकने पे अगर ये प्रशासन पर्चा दर्ज करता है तो इससे ज़्यादा इस प्रशासन की ज्यादती और इस सरकार की ज्यादती नहीं हो सकती किसी हालत में। ये मनीष ग्रोवर 10 गाड़ियों के काफले के साथ बीच में बाहुबली और मिसक्रेंट को गाड़ियों में भर के लीड कर रहा था। ये शहर में सब वोटर्स को सब बूथों पे टेररइज करने के लिए बूथ में उन लोगों के साथ घूमता था। आपने देखा कि भारतीय कन्या विद्यालय के अंदर भी वो बाहुबली अंदर घुसा हुआ था, वहाँ पर घुसा, पोलिंग में इंटरप्ट करना, सरकारी ड्यूटी में इंटरप्ट करना, वोटर्स को इंटिमिडेट करना, उनको धमकाना, अपनी बाहुपलादन के अपने पक्ष में बात करना जो व्यक्ति कर रहा था। आपने ही कहा था कि कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं कर रहे थे, ना ही कोई ऐसी मतलब स्थिति थी उस समय, और एक वीडियो क्लिप भी जो आई थी कि वो बूथ से बाहर दिखाई दे रहे, आप लोग भी बूथ से बाहर? नहीं नहीं, वो वीडियो क्लिप जो आई है वो सर बूथ के अंदर की है। अब उसको दोबारा देख लो, दोबारा अच्छी तरह देख लो, अंदर की है, अंदर ही हमारी स्कफल हुई, अंदर ही मैंने उसको चैलेंज किया, बाहर की नहीं है। आप ये कहे कि बूथ कोई वोटर को प्रभावित करना, बाहुबलों से जुलूस निकालना, और क्या बूथ कैप्चरिंग होती है? कोई वहाँ पर मोरों की बात होती है ये क्या कि वहाँ पर मोर थोड़ा लगाने देगा? वहाँ पर टेररइज करना, वोटर भाग जाए,
वोटर भागने के बाद उनका पर्पज हल हो गया क्योंकि हमारे स्ट्रांग होल्ड बूथ थे। अगर हम चाहते थे कि हम उसको रीपोलिंग के लिए कर दें पर हमने नहीं किया तो हम जीत रहे हैं और बूथों पर भी जीत रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि जो मेरे खिलाफ ये कह रहे हैं कि बूथ में गलत नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं कानून की रक्षा करने के लिए, प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिए, बाहुबली से लड़ने के लिए और जो जुर्म मंत्री जी कर रहे थे उसको रोकने के लिए अंदर गया था। मंत्री जी के पास उसने सारी शिष्टाचार की, सारी पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट की, सारी बाहुबलियों के साथ सभी मर्यादाएँ तोड़ दी। उन्होंने जुर्म किया है जिसके लिए उनके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए। नहीं, मेरे बिना बनता ही नहीं मामला। मैं अंदर सिर्फ उसको रोकने के लिए किया, मैंने बूथ में कोई इंटरफेयर नहीं किया, कुछ नहीं किया। कोई तो जाएगा, पुलिस डीएसपी, इतनी पुलिस बाहर खड़ी है, वो उसको रोकती नहीं है। प्रजातंत्र की और रक्षा करने के लिए मैं अंदर आ रहा हूँ। जो जो व्यक्ति अंदर आ रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई कर दो। अगर मैं न रोकता तो ये गुंडागर्दी कब तक चलती? अगर मैं उस गुंडागर्दी को स्टॉप नहीं करता सारे शहर में ये बाहुबली घूमते। बाहुबली तो ये बिहार ही बन जाता है, हरियाणा। बिहार बनाने में इस मंत्री ने कसर कौन सी रखी? रोहतक से सोनू भारद्वाज की रिपोर्ट, हर न्यूज़, हरियाणा।